तब हमारे जौ का साइज़ बड़ा होता था अच्छा बड़ा होता था ताकि बत्तीस दांत पूरे के पूरे आ जाते थे कोई भी अटकता नहीं था अच्छा स्ट्रॉन्ग जौ होता था पहले के ह्यूम्स का क्योंकि अल्टीमेटली आपका ये जौ में जो फिट किया है इट इज़ आर्टिफिशियल उस पर एक सर्टेन रोड तक आप ले सकते हो वहाँ पर जो म्यूकोसा है जो मुलायम थाल है वो गलने लगती है धीरे धीरे वो गलते 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 बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है क्योंकि बॉडी उसको ट्राई कर रही है बट वहां बिगड़ जाते हैं एक खूबसूरत खूबसूरत स्माइल स्माइल आपकी में में चार चांद लगा देती है उस को बनाने में आपके टीथ का बहुत बड़ा रोल होता है तो अपने टीथ को किस तरह मेंटेन रखा जाए किस तरह एकदम चमकते हुए दांत अपने रखे जाए जा, दांतों से जुड़ी सभी परेशानियों के बारे में डिस्कस करेंगे हम हमारे साथ हैं आ, डेंटल सर्जन डॉक्टर सपना चावला अ सक्सेसफुल डेंटिस्ट

तो बैड ब्रेथ के कई रीजंस हो सकते हैं एक रीज़न जो मोस्टली कॉमन है सबसे कॉमन है वो है बैड हाइजीन ओरल हाइजीन जो हमारे दांतों के अंदर गंदगी रुकी रह जाती है मसूड़ों को ख़राब करती है बैक्टीरिया रहते हैं जिनको जर्म्स कहते हैं तो वही अंदर ही अंदर पस बनाते हैं जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं उनमें पहले ब्लीडिंग होती है वही आगे चल के पस बन जाता है वो जो पस है वो मुंह में एक गंदी सी स्मेल रिलीज़ करता रहता है तो जब तक आप उसको क्लीन नहीं करवाएंगे प्रोफेशनली क्लीनिंग इसलिए ज़रूरी है आप उसको क्लीन करवा लेते हैं कुल्ला करने लगते हैं अच्छे से ब्रश करते हैं तो वो ओडर कम हो जाती है और भी रीजन्स हैं बैड ब्रेथ के जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या इरीटेबल बावल सिंड्रोम होता है उन सब में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ पर बैड ब्रेथ आ सकती है देन बहुत लोगों को रिगर्जिटेशन होता है एसिड रिफ्लक्स उसकी वजह से भी मुंह में स्मेल बनी रहती है कुछ लोग टंग क्लीन नहीं करते उसकी वजह से भी स्मेल बुरी आती है तो ये कुछ कुछ चीजें हैं सबके लिए अलग अलग उपाय हैं तो बट मोस्ट प्रोबेबली जो मैं कहूँगी सबसे ज्यादा है वो है डेंटल हाइजीन अगर आपका हाइजीन अच्छा है दांत आप साफ रख रहे हैं मसूड़ों की अच्छी केयर कर रहे हैं तो आपके दांत अच्छे रहेंगे स्मेल अच्छी आएगी हम कोई होम रेमेडीज जिससे करने के बाद थोड़ी तो मतलब कम हो देखिए माउथ वाशेज मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जिनमें की मिंट फ्लेवर होता है ओके okay. आप अपना घर पे भी बना सकते हैं जैसे कोई भी आपकी जो हर्ब्स तुलसी है ओके okay. और इन सब का जब थोड़ा बॉयल कर लें पानी उसको आप थोड़ा सा डाइल्यूट करके रिंस कर सकते हैं okay. तो उससे आपकी बैड ब्रेथ काफी अच्छी हो जाएगी मतलब कं, कंट्रोल हो जाएगी तो रेगुलर करना होगा रेगुलर कर सकते हैं बाकी आप गुनगुने पानी में नमक डाल के माउथ वॉश अवेलेबल नहीं है तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के रिंस करते रहेंगे बीच बीच में कभी भी खाने के बाद स्पेशली

कुल्ला कर सकते हैं विग्रस रिंसिंग कहते हैं जिसको ओके ठीक है वो आपने जैसे पुराने जमाने में लोग करते थे hmm. उंगली मुंह में डाल के ठीक है तो उस तरह से और मुंह को पूरा हाँ. स्विश करके आप कुल्ला करिए उससे जो भी खाना जहां भी रुका हुआ है आप वो कर सकते हैं अगर आप ऐसी जगह है जहां पर कि आप कुल्ला नहीं कर सकते वॉशरूम नहीं जा सकते खाना खाया है तो आप थोड़ा सा पीने वाला पानी लीजिए स्विश करिए और पी जाइए पानी ओके okay. पायरिया के बारे में कुछ बताएंगे हम पायरिया का भी कोई एक रीजन है जो बैड ब्रेथ का बनता है पायरिया एक मल्टीफेक्टोरियल बीमारी है मल्टीफेक्टोरियल इसलिए कहूंगी क्योंकि इसमें गंदगी जो जमा हो रही है दांतों में मसूड़ों में सबकी बॉडी में अलग अलग लेवल है चाहे अगर हाइजीन लेवल भी सबका एक रखा जाए तो भी ये नहीं कह सकते कि, कि किसको पायरिया होगा किसको नहीं पायरिया हम डेंटिस्ट जो उसमें है टर्म्स में हम कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस मतलब कि दांत के साथ मसूड़े जो जुड़े हुए हैं उनके अंदर जो हड्डी है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है मतलब जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन मसूड़ में ऊपर की लेयर में कर रहा है वो अंदर तक चला जाता है उसमें स्टार्टिंग में आपको ब्लीडिंग दिखेगी फिर उसके बाद पस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिखता है मसूड़े में दाने हो जाते हैं जैसे आपके पीला पीला कहीं से पस आता है उसके बाद दांत धीरे धीरे आपको हिलते हुए पता लगते हैं ठीक है तो इसके लिए लोगों को लगता है कि पायरिया कोई ट्रीटेबल डिजीज़ नहीं है बट ऐसा नहीं है पायरिया बहुत कॉमन है और मोस्टली अगर आप साफ दांतों की सफाई मसूड़ों की सफ़ाई अच्छे से करवाते हैं करते हैं तो ये कंट्रोलेबल है बाकी ह्यूमंस का हमारा जेनेटिक एक बहुत बड़ा पार्ट है अगर आपकी फैमिली में पायरिया रहा है पेरिडोटाइटिस रहा है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में आने के बहुत चांसेस होते हैं कुछ हमारे सलाइवा में थूक में फैक्टर्स होते हैं इम्यूनोगोग्लोबिन होते हैं जो भी रेस्पॉन्सिबल हैं उसको फाइट करने के लिए कुछ okay. लोग के मुंह में है कुछ लोग के में नहीं है राइट right, राइट right. तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं फिर कुछ ऐसा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते बट आप उसको मेंटेन कर सकते हैं कि आपकी अगर पेरटाइटिस या पायरिया की कंडीशन आपको पता है कि आपके मुंह में है वो बीमारी और गम्स सारे जुड़े हुए हैं एक जगह भी होगी तो वो स्प्रेड करेगी करेगी दांत सारे इंडिविजुअल हैं बट गम्स पूरी एक लेयर है राइट राइट हड्डी पूरी एक लेयर है आपकी तो वो स्प्रेड करता है इसीलिए आपको रेगुलर क्लीनिंग करवानी चाहिए गम्स की अंदर तक क्लीनिंग की जाती है जहाँ पे आपको पेरेडोनटाइटिस या पायरिया की कंडीशन पता होती है एक्सरेज लिए जाते हैं कि बोन लॉस कितना है हड्डी कितनी नीचे बैठती जा रही है और ये एज के साथ बढ़ता जाता है ये इस तरह की बीमारी है मैम so, uh, का जो आपने बताया जो पहचान है कि या तो ब्लीडिंग हो रही हो या फिर आपने बताया कि जो एंड रिजल्ट लग, हैं। हैं। so, क्या होता है आप, आप सारे दांत हम अपने खो सकते हैं बिल्कुल खो सकते हैं, हैं।, हैं, हैं। दांत हिलने लगते हैं टाइम से पहले एवरेज ह्यूमन का अगर लाइफ स्पैन माना जाए पिछहत्तर साल तो हमारे सारे दांत रहने चाहिए उस समय तक अगर हम मेंटेन करें बट आपने अक्सर सुना होगा दांत समय से पहले हिलने लगे राइट right. और हिल के निकलना निकलवाना hmm. पड़ा या hmm. निकल गया टूट गया वो सब कुछ नहीं होना चाहिए अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो आपके सारे दांत रहेंगे रेगुलर रूटीन क्या होना चाहिए मतलब कितने टाइम बाद हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए या सफाई करानी चाहिए डेंटिस्ट के पास hmm. मैं बोलती हूँ छोटे से ही बच्चों को पहले तो चेकअप की आदत डालिए जैसे आप स्कूल जाता बच्चा है उसको एक बार सिर्फ चेकअप के लिए आप लेके जाइए जब उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं है ओके okay. ठीक है और एडल्ट्स के लिए मैं कहती हूँ कि हर छः महीने में एक बार चेकअप कराइए और स्केलिंग जो हम कहते हैं क्लीनिंग दांतों की मसूड़ों की जो क्लीनिंग होती है वो साल में एटलीस्ट एक, एक बार हो जानी चाहिए okay. जब जा हम लोग क्लीनिंग करते हैं तो हम एक एक दांत को ध्यान से देखते हैं और उस पर कहीं पर भी कोई छोटा सा भी कैविटी या छोटा सा भी कोई गड्ढा दिखता है कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो हम बताते हैं और उसको तभी के तभी आप करवा लें तो इट से लॉट बट अब बच्चे की अगर हम बात करें मैम तो बच्चे तो वो छोटे होते हैं और वो दांत साफ नहीं करवा पाते तो उनकी हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाए कैसे दांत साफ किया कि जाए कैविटी कि होने के चांसेस बहुत बढ़ बढ़ बहुत जाते बड़ बड़। जाते हैं हैं क्योंकि बच्चों का खाना भी चॉकलेट्स वेफर्स सारी स्टिकी चीजें कार्बोहाइड्रेट रिच चीजें होती हैं और जो मुंह में रुकी रह जाती है फॉर आवर्स बच्चे टीवी देखते हुए खाना खाते हैं जो मुंह में खाना होता है वो घंटों घंटों रहता है सो भी जाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी की रैम्पेंट कहते हैं जो छोटे बच्चों को मदर्स दूध की बॉटल मुंह में लगा के छोड़ देती हैं वो बहुत ही डेंजरस है मतलब कि बच्चे के दांत आए नहीं होते और बच्चे को दूध पीने की रात को आदत पड़ गई होती है दूध में चीनी घुली हुई होती है पूरी रात या घंटों घंटों मुंह में दूध की बॉटल लगी रहती है जब तक बच्चे के दांत आते हैं एक एक दांत पे कैविटी होती है मतलब हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं डेढ़ डेढ़ साल के जिनके छोटे दांत ही निकले ही होते हैं पाँच आठ दस बारह

पेरेंट्स के लिए ये पता करना कि कैविटी है कि नहीं है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उन लोग को डेंटिस्ट के पास जाके ही दिखाना चाहिए पेरेंट्स को पता तब चलता है जब कैविटी डीप हो जाती है और खाना फंसने लगता है और बच्चे को ठंडा या मीठा पता लगता है उसमें उसको पेन शुरू हो जाता है तो वो स्टेज पे पता लगता है तब तक पता लगता है कि रूट के की स्टेज आ गई है दांत की तो इसलिए स्टार्टिंग में ही अगर आप रूटीन चेकअप रखेंगे जैसे कि हम सबको ही बोलते हैं कि छः महीने में आप चेकअप करवाइए तो हम उसी समय पे जब प्रोबिंग करते हैं प्रोब मतलब कि एक बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम हर दांत को चेक करते हैं वहाँ पर अगर कहीं पे भी अटक रहा होता है तो उसका मतलब वहाँ पर कैविटी स्टार्ट हो रही है या डीप ग्रूव है तो उसको हम सील कर दिया जाता है सील कर देते हैं तो वहाँ पर और खाना जाके रुकेगा नहीं ग्रूव डीप नहीं होगी कैविटी नहीं बनेगी तो उसको हम फिट एंड फिजर सीलेंस कहते हैं जो बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है तो स्टार्टिंग से ही अगर आप पिटन फिजर सीलेंस करा लें क्योंकि दांत का सरफेस फ्लैट नहीं है चबाने के लिए भगवान ने हमें उस पर उभार और मतलब कुछ पार्ट कस्ट कहते हैं जो कि उठा हुआ पार्ट होता है उभार है कुछ पार्ट ग्रूव्स होती हैं ग्रूव्स पे खाना जाके रुक जाता है जहां पे भी खाना इवन लिक्विड इज ऑल्सो फूड जो आप दूध पी रहे हैं जो आपका फ्रूट जूसेस हैं कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये सब आपके दांतों में ग्रूव्स में जाकर रुकी रह जाती हैं क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली आप खुला नहीं कर रहे हैं चाय है कॉफ़ी है ये सब आपके, आपके लिक्विड्स दांतों की ग्रूव्स में रुके रह जाते हैं जिनसे आप देखते हैं स्टेनिंग हो रही है स्टेनिंग की बात अलग है बट उसको अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो वो अल्टीमेटली अंदर खाना रुका रहा वो अल्टीमेटली धीरे धीरे अंदर लीच आउट करता जाएगा और कैविटी बना देगा बच्चों को ब्रशिंग की आदत डालना बहुत जरूरी है और दो टाइम डालना बहुत जरूरी है सो so, आपके कहने का मतलब है कि कैविटी को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता मतलब पेरेंट्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते तो उनको डेंटिस्ट के पास जाना ही होगा पाँच छह महीने के अंदर उनको जाना जरूरी है ठीक है अगर हम ब्रशिंग की बात करें तो बच्चों को कैसे आदत डालें कि ब्रशिंग या फिर खुद से पेरेंट्स कैसे साफ करें बच्चों के दांत बच्चों के जब दांत आने शुरू होते हैं राइट फ्रॉम दैट टाइम मतलब मदर को या फादर को सिलिकॉन ब्रशेज आते हैं उस समय से ही दांत को क्लीन करने की आदत अगर स्टार्ट कर दें तो बच्चों को भी एक जनरल आदत पड़ने लगती है आदत आदत पड़ जाएगी पड़ने लगती है है कि मुंह में कुछ है, तो उसको वो करना है उनको क्लीन फिर थोड़े बड़े होते हैं जब बच्चे की शैतानियां शुरू हो जाती हैं टॉडलर्स जिनको की पकड़ के ब्रशिंग करना मुश्किल होता है तो उसके लिए फन ब्रशेज आते हैं जिनमें की अच्छी अच्छी फिगर्स होती है आप रिवॉर्ड कुछ रख सकते हैं बच्चों के लिए देन देर आर मोटर ब्रशेज जो आजकल बच्चों को गैजेट्स पसंद हैं तो पावर्ड ब्रशेज होते हैं तो दे फील गुड कि हाँ मैं इसे करूँगा तो अच्छा हो जाएगा देन यू कैन मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट कि हाँ मैं जर्म्स को फाइट करने जा रहा हूँ ये मेरी तलवार है या ये मेरी एक गन है जिससे मैं okay. सारे जर्म्स को भगा दूंगा Perfect. ऐसे करके कुछ स्टोरीज कुछ प्ले मतलब मदर बच्चे का करे और बच्चा मदर का करे उल्टा उल्टा कुछ करके एक्सपेरिमेंटेशन एंड Okay. तो अच्छा साल, साल तो hmm. नहीं लगेगा अच्छा रात को बेड पे जाने से पहले ब्रश करना कितना इम्पोर्टेंट है मैं कहूँगी सुबह ब्रश करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट रात को ब्रश करना है क्योंकि आप रात को अगर खाना वाना खाके सब खा पी के सो गए तो आपके मुंह में सारे बैक्टीरिया हैं ऑलरेडी right. और जो खाना रुका हुआ है दांतों के ऊपर वो बैक्टीरिया उसको यूज करते रहेंगे और एसिड रिलीज करते रहेंगे वो एसिड आपके दांतों में होल करता रहेगा कम से कम आप सात आठ घंटे सो रहे हैं तो वो सात आठ घंटे आपका डिस्ट्रक्शन hmm. चल रहा है दांतों का जबकि सुबह अगर आप दिन में हैं तो आप पानी भी पी रहे हैं आप ब्रश कर सकते हैं आप खाना भी खा hmm. रहे हैं तो देयर इज मूवमेंट एंड सर्कुलेशन जो रुका हुआ है वो इधर उधर जा सकता है बिल्कुल और बातें कर रहे हैं तो भी right. हमारा मूवमेंट चल रहा है मुंह right, right. तो में कुछ फंसा होगा तो आप रियलाइज कर पाओगे दिन में exactly. रात को, राथ पता को भी नहीं करोगे आप तो रात को ब्रश करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और दिन में भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे ट्वेंटी फोर आवर्स में जो प्लाक जितना एक्यूमुलेट होता है आप खुद रियलाइज करेंगे कि अगर आप एक दिन भी ब्रश नहीं करते हैं तो ब्रश की वजह से आपके लिप्स पे एक लेर हाँ टीथ पे लिप्स पे आपको अंदर एक अजीब सी लेयर फील करने लगते हो वो जो लेयर है वो प्लाक जो रुक गया है वो धीरे धीरे एड ऑन होता जाता है होता जाता है तो उसको हमें क्लीन करना बहुत जरूरी है सुबह मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप पहले नाश्ता कर लें अगर आपने रात को ब्रश किया है okay. तो योर माउथ इज ऑल क्लीन आपके जो मुंह में बैक्टीरिया है दे आर गुड ऑल्सो तो आप उनको स्वेलो करिए आप सुबह का पानी गर्म पानी से पी सकते हैं okay. या नींबू पानी पी सकते हैं बट यू डोंट नीड टू ब्रश अगर आपने रात को ब्रश किया है सुबह में जब खा लें उसके बाद आप ब्रश करिए अगर रात को ब्रश किया है तो सुबह नाश्ता करने के बाद ब्रश करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ओके अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर एक कॉमन चीज और होती है बहुत सारे बच्चों के अंदर के उनका टूथ डिके एक प्रॉब्लम होती है ना कि धीरे धीरे गाया भी हो जाता है हम्म so, वो क्या प्रॉब्लम है क्यों होती है वो उसमें फर्स्ट तो यही है कैविटी कैविटी जो है जो बच्चे की स्टार्टिंग में दांत भूर रहा होता है पेरेंट्स को रियलाइज नहीं होता हल्का ब्राउनिश येलोइश स्टेन सा रहता है और डेंटिस्ट को भी नहीं दिखाया होता कि उसको हम लोग फिल कर सकें टाइमली फिल, फिल कर दें तो वो दांत वहीं रुका रहता है बट अगर उस पर कॉन्स्टेंटली एसिड अटैक होता जाता है कोल्ड ड्रिंक का कोई भी चॉकलेट्स का और ये सारी चिपकी हुई चीजें वहां पे रुकी रहती फॉर आवर्स एंड आवर्स तो वो डीके होते होते दांत डिमिनरलाइज करके झड़ जाता है तो पूरा का पूरा गायब हो जाता है हम लोग बच्चों के लिए फ्लोराइड ट्रीटमेंट भी एडवाइज करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चों की बहुत कैविटीज है, है, तो है के के फ्लोराइड जेल तो डिपेंडिंग ऑन की कैसा उसका रिस्पॉन्स है रिस्पॉंस। उसके बेसिस बच्चों के टीथ अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं कि दांत एकदम टेढ़े आते हैं कुछ ऐसा होता है कि जो नए टीथ है दैट आर कमिंग बिहाइंड द लाइक जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उनके पीछे, पीछे आ, रहे आ रहे होते हैं या एक दांत के ऊपर दांत आने लगते हैं उस अलाइनमेंट क्यों ऐसा होता है किसी रीजन की वजह से ये होता है और अगर होता है तो सही कैसे हो सकता है जब दांत आ रहे होते हैं और दूध का दांत नहीं गिरा होता तब तक तो उस केस में कई बार हमें दूध का दांत निकालना पड़ता है ताकि वो जो नया दांत है वो प्रॉपर जगह ले ले अगर कई बार होता है कि नया दांत जो है वो पीछे आ रहा है या आगे आ रहा है तो हमें दूध का दांत निकालना पड़ सकता है वरना अक्सर होता है कि दूध का दांत हिलता है और नया दांत वहीं पे आता है बट ये एक बाइट uh, uh, का जौ का ग्रोइंग टाइम होता है तो उसकी वजह से ये डिस्क्रिपेंसी आती है कई बार बट इट इज़ नॉट समथिंग कि हमें उसी समय ट्रीटमेंट करना होता है कि अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है जब दांत सारे आ जाते हैं जब 11-12 साल का बच्चा जब उसके प्रीमोलर्स आ जाते हैं तब वो डिसेसिव टाइम होता है जब मैक्सिला ग्रो कर रहा होता है कि हाँ अब हमें क्या करना है उसके पहले हम क्योंकि टंग से भी पुश होके जो पीछे आया होता है दांत, वो भी आगे आ गया जाता है अगर छोटा दांत उसका दूध का दांत टाइम से निकाल दिया गया तो वो पीछे से टंग पुश करके उसको प्लेस कर देते मैम uh, एक प्रॉब्लम और है uh, जो केला निकलते हैं साइड से दांत के ऊपर दांत था तो लोगों को ना बहुत बुरा लगता है जब भी स्माइल करते हैं तो अलग से दिखता तो uh, लोग चाहते कि उसको निकलवा दें तो वो निकलवा देना कितना सही है उसका रीजन क्या है अयान जो आपने दांत बोला कीला उसको केनाइन कहते हैं okay. और केनाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट यस yes. okay. वो बहुत इंपॉर्टेंट टूथ है हमारा कॉर्नर स्टोन टूथ कहलाता है नॉट ओनली वो हमारी स्माइल के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि केनाइन टू केनाइन स्माइल जो हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा स्माइल बनता है उससे okay. और अगर वो टाइम से पहले निकलवा दिया जाए टाइम से पहले क्या परमानेंट अगर केनाइन है तो वो निकलवाना नहीं होता okay. ठीक है अगर वो ऊपर अटका हुआ है तो उसके लिए ऑर्थो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको नीचे लाया जाता है जो उसकी जगह दूध का दांत टाइम से नहीं गिरा है उसको निकाला जाता है ओके ठीक है तो केनाइन को अगर पेरेंट्स सोचते हैं कि ऊपर अटके हुए हैं निकल के आ नहीं रहे हैं तो प्लीज विजिट अ डेंटिस्ट डेंटिस्ट उसके लिए जो करना है वो करेगा मगर तो तो कैनाइन को नहीं निकालेगा नहीं निकालेगा ओके अब जिनके दांत थोड़े लंबे होते हैं बचपन से लंबे होते हैं और वो बड़े होने तक भी ना काफी बेकार लगने लगते हैं तो लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए और रीजन क्या होता है इसके पीछे दांत का साइज आपकी जेनेटिक्स डिसाइड करती है आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की जो जीन्स आपके में आ रही हैं उससे डिसाइड होता है कि दांत का क्या साइज है इट इज़ सिमिलर टू आपकी आंखों का कलर या hmm, आपकी हाइट या okay. आपकी कोई भी जो आपकी जेनेटिकली डिसाइडेड फैक्टर्स हैं तो साइज तो आप चेंज नहीं करवा सकते बट हाँ उसको हम एक एस्थेटिकली जोन प्रेजेंट कर सकते हैं okay. तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अलाइनमेंट होता है ऑर्थोडॉन्टिकली तो अलाइनर्स आते हैं अलाइनर्स अलग अलग तरह के आते हैं तो वो डिपेंड करता है कि क्या है और क्या हमें चाहिए मिसिंग okay. टूथ क्या होता? बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं uh, के जो कोई भी उनका अगर दांत खराब हो गया तो उसको निकलवा देते हैं अब दांत निकलवाने के बाद उसको उसकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कराते कोई दूसरा दांत नहीं लगवाते आर्टिफिशियल दांत तो वो ना लगवाना उस जगह को खाली छोड़ना कितना सही है अगर कोई भी दांत निकलवाया गया है तो आपका जो हारमोनी है दांतों की आपस में वो डिसरप्ट हो गई मतलब कि आपके दांत जैसे थे प्रॉपर वो गड़बड़ हो गया मतलब कि एक दांत इधर एक दांत इधर बीच का दांत निकला तो अब इन दो दांतों को जगह मिल गई इधर मूव करने की खाली जगह तो वो अपनी जगह से मुड़ के टिल्ट हो जाएंगे और उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं है अभी रोकने के लिए कोई नहीं है सिमिलरली ऊपर का जो दांत है अगर नीचे का दांत निकला है तो ऊपर वाले दांत को नीचे से कोई स्टॉपर नहीं मिल रहा है तो वो ऊपर वाला दांत सुपरा इरप्ट करेगा मतलब कि जिस लेवल पे बाइट होता है उसके बियॉन्ड वो नीचे तक जाने लगेगा जब वो नीचे आएगा तो वो मसूड़ा छोड़ता जाएगा हड्डी छोड़ता जाएगा वहां पर उसके ठंडा गर्म क्योंकि जड़ एक्सपोज हो जाएगी तो ठंडा गर्म सेंसिटिविटी सब शुरू हो जाएगी अल्टीमेटली वो दांत हिलने लगेगा और वो भी निकालना पड़ेगा वो निकलेगा तो उसके आजू बाजू वाले दांत भी खराब होंगे तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग और निश्चित साइकिल है इसलिए जब आपका दांत निकलता है किसी वजह से आपको निकलवाना पड़ रहा है तो आप उसको रिप्लेस कराइए बट ये बात अकल डाढ़ के लिए लागू नहीं होती क्योंकि अक्ल डाढ़ बिल्कुल लास्ट वाला दांत है इट इज़ एट द फार बैक लास्ट पे चार दाढ़ निकलती हैं सबकी निकलती भी नहीं है इम्पैक्टेड रह जाती हैं कुछ लोग है, की इम्पैक्टेड होती हैं जो कि प्रॉब्लम करती हैं तो उनको सर्जिकली निकाला जाता है बट अगर आपका वो दाँढ़ निकलती है तो उसको रिप्लेस नहीं कराना अगर ब्लीडिंग गम्स की हम हम बात करें करें सो तो, कभी कुछ भी बाइट लाइक एप्पल खा रहे हैं या कुछ भी खाएं या फिर ब्रश करें तो क्या ना ब्लड आने लगता अगर एप्पल हमने खाया तो एप्पल पे हमें दिखेगा ब्लड तो लगता ना कि कुछ बहुत बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या कुछ इश्यू है तो उसको कैसे सही किया जाए होम रेमिडीज से वो सही हो सकता है या फिर इलाज ही कराना पड़ेगा उसका आ, वो देखने से कंडीशन किस लेवल की है उस पर डिसाइड करता है कई बार होता है विटामिन सी की कमी हो रही हो तो आप घर में थोड़ा सा नींबू का सेवन शुरू कर लीजिए जैसे कि पानी, आप, में पानी में मिला के पानी में नींबू ले लिया सैलड में डाल लिया रोज एक नींबू आप विटामिन सी की कमी से हमारे गम्स वीक होने लगते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं आंवला खा सकते हैं रोज आंवले का मुरब्बा ले लिया या कुछ भी एक एड ऑन करिए अपने okay. विटामिन सी के लिए जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे संतरा है नारंगी किन्नू ये सब ऐड करिए विंटर्स हैं तो ऐसे जो भी आपके फ्रूट्स जिनमें वाइटामिन सी अच्छा है वो आप रेगुलर खाइए आपका उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो भी आप दिखाइए सेकेंडली अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग कभी है तो उसके लिए आप हाइड्रोजन पर जो केमिस्ट पर मिलता है वो थोड़ा सा पानी में लेके एक दो बार कुल्ला करके देखिए उससे भी बेटर हो जाता है नहीं तो गुनगुने पानी में नमक डाल के तीन चार दिन रेगुलर ड्रिंसेस करिए दो बार तीन बार उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके गम सभी बेटर हैं ओके ओके Uh, कौन सा ऐसा फ्रूट है या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो रेगुलर खाने से टीथ की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है खाना जरूरी है टीथ के लिए सारे, अच्छे है, सारे के लिए? ऐसा कुछ एक फ्रूट हैं ओके 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 अगर हम बात करें तो वो कैसे मतलब क्यों इतनी जल्दी होने लगता दांत को छोड़ने लगता पूरी तरह से क्यों खत्म होने लगता है वो चीज और उसका क्या ट्रीटमेंट है रिसेशन रिसेशन जिसको हम जिंजाइवल कहते हैं ये भी बहुत अलग अलग तरह का अलग अलग की वजह से होता है कई बार होता है कि पेरेडोटाइटिस है या पायरिया है जिसकी वजह से मसूड़े ढीले होते जाते हैं सूझ सूझ के नीचे बैठते जाते हैं कई बार होता है कि डीप बाइट है मतलब कि दांत जहां पर मिलने चाहिए वहां पर नहीं मिलते और नीचे वाले दांतों पर ट्रामा हो रहा है ऊपर के दांतों से तो भी मसूड़े पे जोर पड़ता है और वो धीरे धीरे नीचे बैठता जाता है देन कुछ एरियाज़ में ब्रश कुछ लोग बहुत जोर से करते हैं विग्रस ब्रशिंग करते हैं इतनी जोर से ब्रशिंग करते हैं कि मसूड़े को काटते जाते हैं दांत की पतली लेयर भी कटती जाती है और मसूड़ा भी छिलता जाता है बट उन लोग को रियलाइज़ नहीं होता कि इतना हार्ड वो ब्रश कर रहे हैं तो अल्टीमेटली मसूड़ा वहाँ से भी नीचे बैठता जाता है तो ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं गम रिसेशन के जहाँ पर जो कॉज है उसी के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है जैसे बहुत लोगों के ये ब्रशिंग की वजह से गम रिसेशन भी होता है साथ में दांत भी कट रहा होता है जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं दांत का सरफेस जो मसूड़े के पास है वो पतली लेयर लेता है वो जल्दी कट जाता है तो वो जब कट रहा होता है तो उसके लिए हम फिलिंग एडवाइज करते हैं बट गम रिसेशन एक लेवल पे आके रोक नहीं सकते हम लोग अगर हैबिट चेंज नहीं करते आप डेंटल पेन की अगर हम बात करें मैम तो डेंटल पेन क्या होता है कि दांत में ऐसा नहीं कि कोई इशू है या कोई ब्लड आ रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम है कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कुछ हमें लग नहीं रहा कुछ है बट पेन अचानक शुरू हो जाता है कभी भी शुरू हो जाता है और बहुत गंदा वाला पेन होता है टीथ का तो डेंटल पेन के बारे में कुछ बताएंगे डेंटल पेन मोस्टली अगर देखा जाए तो डेंटल कैविटी जो की डीप होती है उससे होता है कैविटी अगर डीप है तो आपको सिवियर पेन हो सकता है क्योंकि हमारी जो फेशियल नर्व है ये हेड में हमारी सारी नर्व्स हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं तो कोई भी इस पार्ट का सेंस ऑर्गन्स में से किसी ने भी पेन होगा तो वो सिवियर टाइप होता है तो दांत का दर्द भी इसलिए सिवियर होता है चाहे वो कैविटी की वजह से हुआ हो डीप कैविटी की वजह से या फिर आपके अगर अकल डाढ़ अटकी हुई है या टेढ़ी है जो आपको रियलाइज नहीं हो रहा कहाँ पर किस वजह से दर्द हो रहा है तो इट इज मोस्टली रिलेटेड टू तो योर लास्ट मोलर जो विजडम टूथ कहलाता है

इवोल्यूशनरी अगर देखें हम तो ह्यूमंस जो थे हम लोग रॉ फूड लेते थे जंगल yes, में रॉ right. खाना yeah, खाते yeah. थे तब हमारे पूरे के पूरे आ जाते थे कोई भी अटकता नहीं था अच्छा स्ट्रॉन्ग mm. जॉ होता था पहले के ह्यूमंस का इवोल्यूशनरी चेंज में ये हुआ कि ह्यूमंस ने कुक्ड फूड खाना शुरू किया कुक्ड में भी अभी बहुत ज्यादा रफिज नहीं है अभी बिल्कुल ही मैश्ड mm. फूड है सॉफ्ट फूड है तो धीरे धीरे ह्यूमंस की बॉडी में जरूरत ही नहीं है होने लगा इसकी वजह से क्योंकि इतनी मेस्टिकेटरी फोर्स बची नहीं है right. इतना चुईंग एफिशेंसी चाहिए नहीं तो मैस्टिकेटरी फोर्सेज नहीं है तो जॉ का साइज श्रिंक करने लगा है एस कंपेयर टू द अर्ली मैन ठीक है अब उसकी जो अकल डाढ़ की बढ़ होती है जो दांत की बढ़ होती है हर दांत की एक बड होती है जो कि जब आप इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं चार चार वीक का जब बच्चा होता है माँ के फीटस में तब से वो बड डिसाइडेड होती है कि ये ये दात आएगा ओके तो उस दांत की जो बड है वो मगर तब भी होती है कई बार क्योंकि एफिशिय नहीं है चाहिए नहीं जॉ साइज छोटा रह गया तो वो दांत की जो डाढ़ है लास्ट वाली वो अटक जाती है अटक जाती है कभी गड़बड़ पोजिशन में कभी ठीक पोजिशन में डिपेंडिंग ऑन

इसलिए वो लोग प्रोफेशनली ब्लीचिंग करवाते हैं ब्लीचिंग इज़ अ प्रोसीजर जिसमें कि केमिकली आपके दांतों के स्टीन्स को निकाला जाता है आप कितना भी रोज़ रगड़ें कितना भी कुछ कर लें जो ब्लीचिंग का इफेक्ट आएगा वो आपका नॉर्मल उसमें नहीं आएगा नॉर्मल आपका जो क्लीनिंग अगर आप रखेंगे तो आपके दांत का जो कलर है वो आप मेंटेन कर सकते हैं बट फिर भी एक लिमिटेशन है क्योंकि हमारे खाने में बहुत कलर है हल्दी में मिर्ची में दाल में हर चीज़ में आपके कुछ ना कुछ कलर है जो स्टेन आपके मुंह में जाता है चाय कॉफी इवन जो एडिड कलर वाली कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये सब आपके मुंह में ही जा रही हैं और ओवर द इयर्स वो धीरे धीरे एक लेयर को स्टेन कर रही हैं तो अगर आपको बिल्कुल वाइट ब्राइट स्माइलिंग दांत चाहिए या कुछ आजकल जैसे प्री ब्राइडल्स होते हैं तो पीपल वॉन्ट दैट ब्यूटिफुल स्माइल जो शाइन करती हुई स्माइल आए फोटोज़ में तो वो उस समय ब्लीचिंग करवाते हैं जिससे कि एकदम वाइट वाइट लगते हैं दांत बट ये एक प्रोसेस है जो कि कुछ टाइम तक आपका इफेक्ट रहेगा देन डिपेंडिंग ऑन योर हैबिट्स कि आप अगर स्मोक करते हैं अगर आप तंबाकू या ऐसे कोई चीज का सेवन करते हैं तो वो जल्दी ही स्टेन हो जाएंगे वापस से ब्लैक कॉफी लोग बहुत पीते हैं आजकल ऑफिस में ब्लैक कॉफी बहुत चलती है स्मोक करते हैं इवन गर्ल्स स्मोक उन लोग के गम्स और टीथ दोनों पिगमेंटेड हो जाते हैं Pigmented? Uh, pigmented मतलब uh, जो पिगमेंट जल्दी okay. so, like, वैसे वाले दांत एकदम चमकते हुए दांत या वो ट्रीटमेंट ब्लीचिंग वाला ट्रीटमेंट कराना चाहें तो कैसे करा सकते हैं कितना अगर हम बात करें, तो कितना होना चाहिए डार्क स्टेन्स हैं और कितना शेड हमें वाइटनेस चाहिए के 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 बीच में आपकी cleaning, polishing and bleaching हो जाती है। है? है कितने लिए रहता फिर कब ये आपके ऊपर कि आप अगर बहुत ज्यादा वाइन ले रहे हैं okay. आप बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जिसमें एडेड कलर है आप मार्केट में जो ऑरेंज एडेड पनीर होता है मार्केट ही खाना ज्यादा खा रहे हैं जिसमें yes, हर चीज yes. में एडेड कलर है आप जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी उस इंटेक की उसके ऊपर डिपेंड करेगा सो विल गारंटी कि आपका ये महीने चलेगा या दो साल चलेगा बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो साल भर आपकी अच्छी रहती है साल भर के बाद फिर दोबारा से हमें ब्लीचिंग करानी होगी बिल्कुल ओके okay. मैम बहुत बार हमने एड्स में देखा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है सो so, टूथपेस्ट में नमक होने का क्या मतलब है टूथपेस्ट में नमक होना कितना जरूरी है टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है ये कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है बट टूथपेस्ट में अगर नमक है तो कई बार जो स्पॉन्जी गम्स हैं जिनके जिनके मसूड़े सूजे रहते हैं थोड़े से उसमें थोड़ा सा वो फ़ायदा कर सकता है वो इसलिए वो भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है तो उतना असर नहीं करता है बट एक फैड है कि हाँ उसमें नमक है तो थोड़ा हेल्प करेगा बाकी नमक का पर्पज़ ये है कि एक एग्जॉस्मोसिस होता है जहाँ पे भी सूजन है अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वो खिंच जाता है पानी इसलिए सूजन या कमी हो जाएगी तभी हम कहते हैं कि गुनगुने पानी में नमक डाल के आप कुल्ला करिए दैट विल बी इवन मोर बेनिफिशियल टूथपेस्ट ही जरूरी है या फिर हम कुछ घर में भी कुछ ऐसा मिला करके अपने दांत साफ कर सकते हैं लाइक like पहले क्या होता अभी भी है रूरल एरियाज में गांव साइड में आप जाएंगे ना तो लोग ऐश मतलब राख से और चारकोल से ये सब चीजें दांत पे यूज करते हैं वो और उनसे अपने तो दांत साफ़ करते हैं। आ, पहले के टाइम में या गांव में ये चलता है बट ये है मतलब कि उसकी जो ग्रिटीनेस होती है चारकोल या कोक या एश okay. उसका जो पाउडर है वो बहुत हाईली एब्रेसिव है मतलब कि रगड़ने से कुछ टाइम बाद मतलब काफी ज्यादा घिसने के बाद वो एक सरफेस स्मूदनेस देगा ठीक है जबकि जो पेस्ट है आजकल जो बने बनाए पेस्ट हैं उनमें जो सरफेस अग्रेसिवनेस है वो बहुत कम होती है तो वो जल्दी ही आपके शाइन या स्मूथ सरफेस दे देते हैं तो आपको उससे आपके दांतों को नुकसान मत करिए जितना आप ज्यादा घिस रहे हैं रगड़ रहे हैं आपके दांत की ऊपर की परत को आप भगा रहे हैं okay. उसको घिस घिस के आप कम कर लेंगे तो इनैमल जैसी चीज कोई नहीं है दुनिया में इनैमल जो सबसे टॉप लेयर है दांत दांत के टॉप लेयर है उसी से आपकी जो वाइटनेस है दांत की उसी से है ओके okay. तो so, मतलब ये सब चीजें यूज ना करें चारकोल या एश वगैरह बिल्कुल ऐसा ना यूज करें कोई भी पेस्ट जो आपको रीजनेबल है बहुत पिगमेंटेड पेस्ट भी ना यूज करें उसमें भी स्टेनिंग होती है कैसे पहचान करेंगे कोई भी लाइट कलर का लाइट पिंक लाइट व्हाइट व्हाइट इज ओके पेस्ट लाइट ब्लू कोई भी लाइट पिगमेंटेशन इज ओके इन पेस्ट बट अगर डार्क कलर का है जैसे रेड रेड डार्क वाला वो आप मत करिए क्योंकि अल्टीमेटली उसमें जो पिगमेंट है वो आपके दांतों पे कहीं ना कहीं रुकेगा। okay. के साथ साथ के के भी, भी yes, एज के साथ साथ लोगों के के दांत दांत पीले होने लगते हैं वो अच्छे से केयर कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं टीथ को अच्छे से सफाई कर दे उसके बावजूद भी फिर भी पीलापन आने लगता है एज के साथ साथ उसको कैसे मतलब वो भी एक बीमारी है या फिर इजीली हम उसको खत्म कर सकते हैं एज के सन थोड़ा चेंज तो आता है कलरेशन में और साथ में हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया हैं क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनका भी एक प्ले रहता है बट अगर अच्छा मेंटेन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कलर में तो देर आर मैनी फैक्टर्स हो सकता है कि इतने सालों से स्टेंस इंट्रेंसिक हो गए हैं जो कि अब क्लीन करने पे भी नहीं जा रहे हैं तो उस केस में हमें देखना पड़ता है कि विनियर्स वगैरह करके हम अगर पेशेंट को फिर भी चाहिए कि बहुत वाइट दिखेगा तो फिर विनियर्स वगैरह किए जाते हैं सो हाउ मेनी टाइम्स वन शुड ब्रश टीथ एक इंसान दिन में कितनी बार कम से कम दांत साफ करने चाहिए ब्रश करना चाहिए बेसिकली दो बार दो बार सफिशियंट है सोने से पहले और नाश्ता करने के बाद हाँ जी राइट right? हाँ जी ओके डेंटल इम्प्लांट का क्या प्रोसेस होता है किस तरह किस तरह प्रोसेस पूरा होता है प्लीज आप बताएंगे डिटेल में आपने अच्छा सवाल किया ऐन क्योंकि आजकल हम लोग इम्प्लांट इंडस्ट्री की साइड ही ज्यादा जा रहे हैं पुराने जमाने में अगर एक दांत निकल जाता था मिसिंग ट्रूथ होता था तो क्राउन एंड ब्रिज किया जाता था जिसमें आगे के और पीछे के एक एक दांत को सपोर्ट लेके उनकी कटिंग की जाती थी उनके ऊपर कैप लगता था तब बीच में एक दांत ब्रिज की तरह सपोर्ट करके लगता था बट हमें इन दो अच्छे दांतों को छेड़ना पड़ता था कई बार उनका रूट केनाल भी करना पड़ता था बट अगर अभी हमारे पास अच्छी बोन है जहाँ पर हम इम्प्लांट डाल सकते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है दांत लगाने के लिए टू रिप्लेस एनी मिसिंग टूथ इम्प्लांट के प्रोसीजर में सबसे पहले तो हमें एक ओपी चाहिए होता है फुल माउथ एक्सरे ताकि हम नर्व्स का थोड़ा आइडिया ले लें बोन कैसी है उसका आइडिया ले लें फिर हमें कई बार सी की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ कोन बीन टोफोग्राफी जिसमें जैसे सीटी सेक्शन करके देता है वैसे ही हमें बोन के छोटे छोटे सेक्शंस पता लग जाते हैं नर्व कहीं टच तो नहीं करेगी हमें इम्प्लांट की हाइट कितनी रखनी है बोन कितनी थिक है किस टाइप की बोन है वो सब हमें उस पर सी बी पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके बाद हम लोग प्लान करते हैं सर्जरी सर्जरी इज़ लाइक नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल नॉट डिफ़िकल्ट बट डिटेल्ड सर्जरी आई वुड से उसमें पेशेंट uh, का पहले हमें ब्लड शुगर वगैरह ये सब चेक करना पड़ता है पहले से कि उसको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है हार्ट पेशेंट तो नहीं है वो सब को इंडिकेशंस uh, जो हैं उसके हिसाब से मेडिकेशंस दिए जाते हैं पहले से सर्जरी में होता है कि सुन किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया जैसे नर्व में ब्लॉक देते हैं उसी तरह लोकल दिया जाता है इंजेक्शन उसके बाद ड्रिल किया जाता है मसूड़े को कट करके फ्लैप बना uh, फ्लैप रेज किया जाता है वहाँ पर ड्रिल किया जाता है जो हमने साइट सोची हुई है उस पर्टिकुलर एंगल पे इसके लिए आजकल डिजिटल पूरे आ, स्टेंसिल्स भी बन के आते हैं पेशेंट के नाप के स्टेंसिल्स स्कैनिंग से बन जाते हैं उनको भी लगा के आप डायरेक्ट ड्रिलिंग कर लेते हैं जब ड्रिल हो जाता है वहाँ पर इम्प्लांट को स्क्रू कर दिया जाता है उसको टॉर्क दे के फिट कर दिया जाता है और ढक्कन लगा दिया जाता है जिसको कवर स्क्रू कहते हैं जब वो बंद हो जाता है वापस से हम मसूड़े को सूचर से बंद कर देते हैं ये सब प्रोसीजर यूजली एक सिंगल इम्प्लांट में आधा पौने घंटे में हो जाता है ठीक है उसके बाद ये एक स्टिटिंग हो गया उसके बाद हफ्ते भर बाद सिर्फ टाँके कटने होते हैं टाँके कट जाते हैं तो दांत अंदर इम्प्लांट जो है वो अंदर ही अंदर बोन में जुड़ने लगता है ऑस्टि इंटीग्रेशन कहते हैं जिसमें कि अंदर की जो बोन है क्योंकि वहाँ से दांत को हमने ड्रिल किया तो बोन में हमने थोड़ा सा ट्रॉमा किया जब ट्रॉमा किया तो बॉडी वहाँ पे ब्लड भेज रही है ब्लड में वो ऐसे सेल्स भेज रही है जो कि उसको हील करेंगे वो सेल्स उस इम्प्लांट के सरफेस पे अटैच होते हैं जुड़ते हैं और उस इम्प्लांट को नीचे वाले जैसे है जॉ तो उसमें करीबन ढाई से तीन महीने में उसको अपना बना लेते हैं और जुड़ जाता है वो फिर रूट का काम करता है इम्प्लांट और ढाई महीने तीन महीने बाद उसके ऊपर फिर हम वापस से क्राउन लगाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं न्यूडिक्स उसके ऊपर हाँ जो रूट बन गई अब हमारी इम्प्लांट जो हमने डाला वो रूट का काम करेगा उसके ऊपर का जो काम जो क्राउन जो दांत चबाने के काम आएगा वो लैब से बन के आएगा उसका काम जो है कम से कम ढाई महीने बाद शुरू करते हैं so, पूरे प्रोसेस में ढाई महीने लगता आ, पूरे प्रोसेस में दो फेजेस हैं फर्स्ट फेज सर्जिकल है, है जिसमें हफ्ता आठ दिन लगता है जो सेकंड फेज है ड्रिलिंग जिसमें करते जिसमें ड्रिलिंग करके हमने सूचा कट करना है बस जो फेज फेज है प्रोस्थेटिक उसमें करीबन तीन लगती है, और वो नीचे वाले जैसे जॉ में है तो ढाई तीन महीने के बाद टर्न आती है ऊपर वाले जॉ में है तो करीबन पाँच छः महीने बाद टर्न आती है ओके okay. तो कितना सक्सेसफुल होता है बिल्कुल सक्सेसफुल है आराम से चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो कोई तो मुझे ऐसा लगता है तो है। so, बोलते हैं कि हमने कराया, लेकिन हम कुछ हार्ड चीज नहीं खा सकते हम एप्पल नहीं खा सकते हम गुआबा नहीं खा सकते अगर खाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है वो दांत निकल सकती बिल्कुल क्योंकि अल्टीमेटली आपका ये जॉ में जो फिट किया है इट इज आर्टिफिशियल उसपे एक सर्टेन लोड तक आप ले सकते हो okay. वो भी आप वर्टिकल स्ट्रेंथ में जो लोगे वो ठीक है जिन लोग के दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े चारे होते हैं उनके लिए भी वो एडवाइजेबल नहीं है जो okay. लोग दांत पीसते हैं या सुपारी ज्यादा खाते हैं ऐसी चीजों के लिए पैराफंक्शनल हैबिट्स के लिए इन आर अबिंग नो ठीक है और अमरूद की बात करें तो ये बहुत डेंजरस फ्रूट कहूंगी मैं डेंटल उसमें क्योंकि जो okay. उसके सीड्स होते हैं uh -huh. वो अक्सर दांतों को फ्रैक्चर कर देते हैं कड़क वाले जो सीड्स uh -huh. कई बार आ जाते right. हैं तो पेशेंट खाते खाते एकदम से किसी भी कहीं पे उसके दांत में कैविटी रही होती है जो उसको पता भी नहीं होती है वहां पे फंसता है दाना और वो दांत को क्रैक कर देते हैं क्योंकि दांत डिमिनरलाइज है उतना उसमें स्ट्रक्चर नहीं है right. वो ऑलरेडी वीकेंड स्ट्रक्चर है जिसपे ये फोर्स पड़ी है भी और दांत स्प्लिट हो जाता है फिर अल्टीमेटली निकालना ही पड़ता है और ही होता है इम्प्लांट ही होता है ओके okay. आपने रूट कैनाल की बात करी तो रूट कैनाल क्या होता है अब डिटेल में बताएंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कॉमन लैंग्वेज में आपने सुना होगा दांत का नस का इलाज नस का इलाज ओके okay. बेसिकली हमारे दांत के तीन भाग हैं सबसे ऊपर इनेमल है उसके अंदर डेंटिन है उसके अंदर पल्प है ठीक है अब जो ये ऊपर इनेमल और डेंटिन जब कैविटी उसके बियॉन्ड चली गई गड्ढा उसके अंदर जाता गया जाता गया और सबसे थर्ड पार्ट तक पहुंच गया है या उसके क्लोज भी पहुंच गया तो वहाँ पर थर्ड पार्ट जो पल्प है उसके अंदर नर्व और ब्लड दोनों है नर्व से क्या है सेंसेशन है आपकी पूरी बॉडी में जो सेंसेशन है नर्व की वजह से है ब्लड है सर्कुलेशन है जो उसको वाइटैलिटी दे रहा है सेल्स दे रहा है उसको दांत को वाइटल रख रहा है ठीक है अब जब वहाँ तक इन्फेक्शन पहुंच गया तो वहाँ पर जब बैक्टीरिया पहुंच गए तो उनको मिल गया ब्लड ब्लड में न्यूट्रिशन है तो वो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी करते हैं जल्दी जल्दी ब्लड में मल्टीप्लाई करते हैं उसको खराब करते हैं और पस बनाते हैं जब पस इकट्ठा हो जाता है दांत की जड़ में पहुंच जाता है तो आपको बहुत जोर का पेन शुरू होता है थ्रॉबिंग पेन दांत से दांत टच करने में भी पेन हाँ तब उस केस में क्या है कि हम फिलिंग नहीं कर सकते हमें रूट के करना होता है दांत की जड़ तक हमें छोटी छोटी नीडल्स से क्लीनिंग करनी होती है ताकि जो भी अंदर पस रुक गया है उसको हम पूरा क्लीन करें जो जड़ें हैं जिस भी फॉर्म में किसी में तीन हैं किसी में चार हैं जिस दांत में जितनी जड़ें और उनके अंदर जितनी कैनाल्स हैं वो एक्स रेज पर हम लोग देखते हैं एपेक्सलोकेटर्स पे देखते हैं उसके बाद उनकी लेंथ वेंथ फाइनलाइज करते हैं क्लीनिंग करते हैं शेपिंग करते हैं स्टराइल बनाते हैं उसको साफ़ करके कोई पस नहीं होना चाहिए कोई पेन नहीं होना चाहिए उसके बाद उसके अंदर से फिलिंग की जाती है विद स्पेशल मटेरियल रबराइज गटा पर्चा होता है उसको अंदर डाल के सील किया जाता है फिर लास्ट में उसकी फिलिंग की जाती है दांत की और उसके भी बाद में कैपिंग की जाती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इम्प्लांट की लाइफ कितनी होती है इम्प्लांट कराने के बाद कितने टाइम चलता इम्प्लांट की लाइफ आराम से अच्छी कंपनी का है अच्छी क्वालिटी का है तो पंद्रह सत्रह और बीस साल चलता है कोई दिक्कत नहीं है

और जो क्राउन है वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा यूजेज है और आप कैसे किस तरह से खाना खा रहे हैं उसका पाँच साल सात साल में हो सकता आपको replace है आपको रिप्लेस करना पड़े जो गम्स हैं इम्प्लांट के आसपास वाले उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं से अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो अंदर इम में ना जाए okay. तो कई बार जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं अगर उन लोगों ने अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रखी है तो इम्प्लांट्स ख़राब होते हैं इम्प्लांट्स के आसपास मसूड़े मसूड़े खराब होने लगते हैं तो इम्प्लांट भी खराब होने लगता है क्योंकि अंदर हड्डी खराब होने लगती है तो जो पेशेंट्स हैं उनको जैसा समझाया गया है ट्रीटमेंट के साथ में वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है हर अगर कोई भी इम्प्लांट का पेशेंट है मैं कहूँगी उसको अपने डेंटिस्ट को हर छः महीने में नहीं तो साल भर में तो इम्प्लांट वाला चेकअप करवाना चाहिए ताकि उसमें एक्सरे लेके वो देख सके कि हाँ सब ठीक है कि नहीं और क्लीनिंग के लिए एक्स्ट्रा एड्स चाहिए होते हैं okay. जैसे कि वाटर फ्लॉसर वगैरह हम लोग रिकमेंड करते हैं जो आपकी फ्लॉसिंग नहीं हो पाती गम में क्लीनिंग नहीं, नहीं हो पाती वहां पे खाना रहेगा तो वो इम्प्लांट को भी अफेक्ट करता है ओके okay. हम कैंसर की अगर बात करें तो उसका क्योर है या फिर इंडिया में ट्रीटमेंट है उसका कुछ कैसे क्यों होते हैं सबसे पहला रीजन तो यही है भाई कैंसर क्यों होते हैं इतने ओरल कैंसर्स बहुत तरह के होते हैं और मोस्टली आप कोई भी ऐसी गड़बड़ काम कर रहे हैं हैबिट आपकी है कोई जैसे कि स्मोकिंग टोबैको चूंग सिगरेट बीड़ी हुक्का इन सब से जो भी धुआं जनरेट होता है वो अंदर आपके लंग्स में भी कर रहा है आपके ईसोफेगस में भी कर रहा है और आपके मुंह से जा रहा है वो तो जो भी मुंह से जा रहा है इवन सुपाड़ी वगैरह जो है इन सब में एसिड रिलीज होता है तो कॉन्स्टेंटली एक स्टिमुलस वो बॉडी को दे रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बनना शुरू होता है स्टार्टिंग स्टेज में उसको हम लोग ग्लूकोप्रेकिया कहते हैं जो एक वाइट सी या मार्जिनल ग्रे सी लाइन बनने लगती है गाल की खाल में या जहाँ पर भी लोग जैसे यहाँ पर तम्बाकू रख के कभी यहाँ रखते हैं तो वो ये एरिया पहले ख़राब होने लगता है वहाँ पर जो म्यूकोसा है जो मुलायम खाल है वो गलने लगती है धीरे धीरे वो गलते 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 बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है क्योंकि बॉडी उसको ट्राई कर रही है बट वहाँ पर सेल्स अब बिगड़ जाते हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो कैंसर या ट्यूमर बन जाती है तो कई बार डेंचर्स की वजह से भी होता है ये जो डेंचर्स इल फिटिंग होते हैं जो कि प्रॉपर मुंह में फिट नहीं हो रहे हैं okay. मगर पेशेंट को आदत पड़ी हुई है कि वही पहन के वो खा रहा है और कॉन्स्टेंटली एक छाला उसी के ऊपर रगड़ खा रहा है जिसके ऊपर डेंचर अटक रहा है okay. और वो छाला बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बट पेशेंट उसको ध्यान नहीं देता तो वही कैंसरस एक ग्रोथ बनने लगती है कुछ जो कैंसर जो ट्यूमर्स होते हैं उनको एक्सरसाइज कर दिया जाता है एक्सरसाइज मतलब कि उनको वहीं से कट कर दिया जाता है सर्जिकली ओके okay. कई बार उनकी रेडियोथेरेपी होती है कई बार टंग तक कट करनी पड़ती है पूरी टंग निकाल दी जाती है आधी टंग निकाल दी जाती है तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट किए जाते हैं कीमोथेरेपी होती है दवाइयों से होते हैं सब तरह के ट्रीटमेंट ये तो बहुत खतरनाक चीज है आ, लेकिन उन लोगों को बहुत समझना पड़ेगा जो लोग टोबैको खाते हैं कंज्यूम करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है या होते हैं तो उनके लिए कोई मैसेज होगा आपका कोई मैसेज देना चाहेंगे बिल्कुल मैसेज है आ, मेरा मैसेज यंग जनरेशन के लिए यही रहेगा कि से नो से नो टू तो एनी सच थिंग जिससे आपको जरा भी खतरा है आपके मुंह के लिए या इवन फॉर एनी बॉडी पार्ट आपको अगर पता है कि ओरल कैंसर का सिगरेट्स के ऊपर निशान बना रहता है उस पर बुरी पिक्चर बनी रहती है ओरल कैंसर हो जाता है या लंग कैंसर हो जाता है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन है जिसको आपको समझना है अगर आप सिगरेट स्मोकिंग जस्ट फॉर फन कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दीजिए और ऐसी कंपनी से दूर रहिए जहां पर भी आपको ऐसा आ, करने के लिए वो लोग मजबूर करते हैं तो आई वुड से नो एट द फर्स्ट चांस ओनली

रैंक से पीछे रह गए <laughs> तो एम बी बी एस नहीं मिला एंड लिटरली इन टीयर्स कि हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला बट सेड कि नहीं 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 कोई बात बीबीएस अच्छा हो जाएगा करो करो सो इट वॉज लक बाई चांस डेस्टिनी में जो होता है so okay. जो करना चाहते हैं उनके लिए कुछ कुछ सजेशन आप देंगे कि कितना टाइम मनी या फिर पेशेंस कितना होना चाहिए mm. टाइम तो फाइव इयर्स का कोर्स है बट उसके लिए एंट्रेंस आपको क्लियर करना होता है नीट नीट क्लियर करना होता है नीट में आपको क्या कॉलेज मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर रैंकिंग उसके लिए आपको एफर्ट्स पूरे डालने पड़ते हैं राइट फ्रॉम इलेवेंथ स्टैंडर्ड आप अच्छे से डेडिकेटेडली अगर आप करोगे तो यू कैन क्लियर आर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कराते हैं तैयारी एंड वंस आर इन कॉलेज वहाँ पर आप किस कॉलेज में है वो मैटर करता है किसी भी छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे अभी मशरूमिंग है कॉलेजेस की डेंटल कॉलेजेस की जहाँ पर की पेशेंट्स नहीं होते हैं और टीचर्स आर नॉट दैट गुड टीचर्स आर नॉट प्रैक्टिकल नहीं कुछ करते पेशेंट्स को हाथ भी नहीं लगाते मेरे पास यहाँ पर आते हैं कुछ कॉलेजेस के लोग आए हैं ट्राई करने दे डोंट नो इवन हाउ टू होल्ड अ मिरर एंड चेक द पेशेंट तो कुछ भी आफ्टर डिग्री आफ्टर डिग्री तो ऐसे में बहुत मुश्किल है तो अच्छा कॉलेज अगर आपको मिल जाता है यू लर्न अ लॉट टीचर्स आर वेरी गुड जहाँ पर अच्छे हैं वो आपको बहुत सिखाते हैं एंड आई थिंक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ हम लोग की जो फील्ड है डेंटल की या मेडिकल की वी हैव टू कीप लर्निंग एंड इवॉल्विंग आवर हमें कुछ कुछ नया नया जो जो आता है सब नया इक्विपमेंट कैसे सीखना है क्या करना है कैसे यूज़ करना है करना पड़ता है डिग्री के तुरंत बाद जॉब करना ज्यादा जरूरी होता है या फिर खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं आप मैंने ड्यूरिंग इंटर्नशिप जैसे क्लिनिक एक, एक ज्वाइन कर लिया था तो मुझे कभी भी कोई अपने से बॉस नहीं चाहिए था सो आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग माय ओन थिंग एंड आई स्टार्टेड विद शेयरिंग थिंग इन अ पॉली क्लिनिक पे एक चेम्बर में मैं अपना सेटअप स्टार्ट किया एंड आई वॉज वेरी यंग पीपल यूज टू बी वेरी

Obviously, अपना क्लिनिक अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनकम तो अनलिमिटेड है आप कितना भी अर्न कर सकते हैं तो एक रफली फिगर बताएंगे जॉब का और उसका कमाना चाहता है और क्या मीन्स है उसके okay. क्या लोकेशन है क्लिनिक की किस टाइप की क्लाइंटल को वो केटअप कर रहा है और कितना बड़ा सेटअप है इफ सपोज uh, दस चेयर लगाई है उसने

तो ब्रश को कहाँ रखें और कितने दिन बाद हम चेंज करना चाहिए हमें ब्रश तो साल साल बार यूज करते रहते हैं हम ये ब्रश को ब्रश को आप वॉशरूम में कैबिनेट के अंदर रख सकते हैं ताकि डायरेक्ट जो भी फ्लशिंग से पार्टिकल्स आ रहे हैं उनसे अवॉइड कर सकें नहीं तो कैप्स भी आती हैं ब्रश की जिनको आप कवर कर सकते हैं एंड इफ़ पॉसिबल छः फीट की दूरी पे अगर रख सकते हैं तो दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल बाकी ब्रशिंग कैसे कर रहे हैं आप उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका ब्रश कितना चलता है ऑन एन एवरेज दो ढाई महीने से ज़्यादा नहीं चलता है कुछ लोग का ब्रिसल्स जब बिल्कुल मुड़ जाते हैं गंदे दिखने लगते हैं तब वो चेंज करते हैं तो उससे ज़्यादा हार्म हो रहा होता है उनके दांतों पे वो घिस रहे होते हैं वो नहीं होना चाहिए तो आपको अराउंड टू टू एंड एंड हाफ मंथ्स में ब्रश को चेंज करना चाहिए एक और चीज़ अगर आपको कोल्ड कॉफ थ्रोट इन्फेक्शन हो के चुका है उस समय के बाद आप अपना ब्रश चेंज कर दीजिए ओके क्योंकि आपने जो भी ब्रश किया ड्यूरिंग योर इन्फेक्शन तो इट गेट्स लोडेड विद बैक्टीरिया ठीक है तो आप वो चेंज कर लेंगे तो आपका बेटर रहेगा सेकेंडली आप जब जहाँ पे सब फैमिली वाले इकट्ठे ब्रशेज रखते हैं या कपल्स साथ में रखते हैं अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप अपना ब्रश अलग रखिए ताकि उसको दूसरे को इन्फेक्शन ना हो उससे चांसेस so, मैम अभी आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर और अगर लोग आना चाहते हैं ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो किस तरह आपसे कनेक्ट कर सकते हैं कहाँ आ सकते हैं आई आई हैव दिस क्लिनिक हेयर सेक्टर फोर्टी नाइन बरोला में नोएडा में तो किसी को भी कोई भी डेंटल इश्यूज हैं डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरा फ़ोन नंबर मेरे गूगल पेज पे है एंड आई एम अवेलेबल सिक्स डेज इन अ वीक और टाइमिंग्स वगैरह एवरी थिंग इज़ देयर आई ऑल्सो विजिट वन चैरिटेबल प्लेस इन ग्रेटर नोएडा तो दो दिन मैं सुबह वहाँ होती हूँ बट मैं अपॉइंटमेंट्स सबके टाइम प्लान करके ही करती हूँ सो एनी थिंग एंड एवरी थिंग आई डू आई राइट फ्राम न्यू निटल बच्चे के दाँत निकालने से तेरह दिन के बच्चे के दाँत निकालने से ले कर नब्बे साल सौ साल तक के भी दांत का जो काम जिसका होता है सबक आई होप दिस वीडियो एडिट सम वैल्यू इन यूर लाइफ अगर आपको लगता है कि आपके भी टीथ में कोई प्रॉब्लम है या टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है सो डो विजिट दिस क्लीनिक आई आई विल रियली रिकमेंड इट प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब